ऐ अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, क्यों नहीं सकता। क्यों ना इनको भी थोड़ा फेमस कर दिया। थैंक यू। कहते तो ये सब देखना पड़ेगा आपको, सत्संग देखना पड़ेगा, सनातन धर्म की बात करनी होगी, तब फिल्में चलेंगी। क्यों नहीं आप जो ट्रिपल आर आया है उससे सीख लेते हैं। नमस्कार आप सभी को, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ आज योगी जी फिर से मौजूद हैं। योगी जी बहुत बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन कुछ सवाल हम करेंगे कि आप अभी हाल फिलहाल में बॉलीवुड में गए, मतलब मुंबई गए थे, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इंटरव्यू आज ये पियरा सरसों के खेत में क्यों। देखिए सर्वप्रथम आप सभी को जय श्री राम। और मुझे लगता है ये पुरानी प्रथा है, बहुत पहले शाहरुख खान लोग इसमें घूम घूम के फेमस हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी थोड़ा फेमस कर दिया। थैंक यू। मुझे फेमस करने के लिए धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप हाल ही में मुंबई गए थे, तो क्या हुआ, क्यों गए थे आप? देखिए मुंबई तो मैं गया था जी, और मैं बस ये जांचने गया था जी कि जो ये इतनी आप लोग हु हल्ला करते हैं, इसको बायकॉट करो उसको बायकॉट करो ये सब करते हैं, तो क्या सच में उनको कुछ असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अच्छा तो ये बात थी। और मैंने देखा कि आप बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे, और वहाँ पे बहुत सारे कलाकार और प्रोड्यूसर थे, उसमें से एक शेट्टी जी हैं जो आपसे कुछ सवाल कर रहे थे। ये शेट्टी वही क्या जो बोलता है ए अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, क्यों नहीं सकता। बाबा जी आप मिमिक्री कॉपी भी बहुत अच्छा करते हैं। ये धरती मेरी माँ है। ये तो मेरी भी माँ है, एक्चुअली ये सबकी माँ है धरती माँ। और ये बहुत अच्छा, आप मतलब आप कॉपी बहुत अच्छा करते हैं। देखिए मुझे लगता है जब मैं वहां पर गया था जी, तो मुझे ये समझ में आ गया था कि जो आप लोग हो हल्ला करते हैं ये सक्सेस है। अच्छा एक और बात, वहां पर उन्होंने एक सवाल उठाया था कि ये जो बायकॉट गैंग है, गैंग की का मतलब एक नाम दिया था। देखिए सर्वप्रथम आपसे ये विनती करूंगा कि इसको गैंग कह के संबोधित मत करिए, क्योंकि गैंग तो वो है जो जेएनयू में जाता है हल्ला करता है। गैंग उन्होंने संबोधित किया, मैंने नहीं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इस तरह की टिप्पणियां ना करें, और ये तो लोगों का पर्सनल वो है, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप हैं जो ये सब बंद करवा सकते हैं। अब मैं तो लोगों से कहता रहता हूँ यातायात का नियमों का पालन करें, तो क्या वो ऐसा करते हैं, कुछ परसेंट करते हैं कुछ नहीं करते हैं, तो ये व्यक्ति विशेष की बात है। वो तो सही है। इसके अलावा जैसे कि वो बोलते हैं कि बहुत सारे हिट फिल्में आती रहती हैं, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने अपने लड़के को लॉन्च किया, एक फिल्म बनाई, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए यही तो मैं कहना चाहता हूँ जी, ये जितनी भी फिल्में हैं ये खुद अपनी क्रिएटिविटी नहीं करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये RX 100 का रीमेक नहीं है तड़प? ये फिल्मों को कॉपीराइट करा के रखते हैं ताकि अपने बच्चे के लॉन्च कर सकें, तो ये गलत। तो मतलब आप इस तरीके से बॉलीवुड में नेपोटिज्म की भी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, और ऐसी फिल्में चलेंगी नहीं, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ ये सब कुछ नहीं चलेगा। अभी बताइए कौन सी फिल्में चल रही हैं? जैसे बहुत सारी फिल्में चली थी, जैसे एक PK फिल्म थी वो भी चली हुई थी, काफी ज्यादा कमाई है। तो तब मैं भी तो नहीं था CM के पद पे, मैं था क्या? और अब मैं आप सभी को बतलाना चाहता हूँ, कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ फिल्में चल भी रही हैं जैसे दृश्यम, तो आपको ये पता होगा कि 2 तारीख को वो लोग कहाँ गए थे, आप लोग बता सकते हैं? वो सत्संग देखने गए थे। बिल्कुल पणजी में सत्संग देखने गए थे, तो ये सब देखना पड़ेगा आपको, सत्संग देखना पड़ेगा, सनातन धर्म की बात करनी होगी, तब फिल्में चलेंगी जी। पारिवारिक फिल्म थी इसलिए बिल्कुल, उसमें कोई नंगा नाच नहीं रहा था। अच्छा इसके पहले भी सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्में काफी हिट हुई थी, कई सारी फिल्में। देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी कि कौन कौन से फिल्में हैं जिसके वजह से सलमान खान फिर से बूस्ट किए थे? जैसे वांटेड हुआ, वांटेड हुआ, रेडी हुआ, ये सब फिल्मों की बात करना चाह रहे हैं आप? तो आपको ये पता होना चाहिए ये सभी फिल्में रीमेक थी, मतलब कॉपी थी। बिल्कुल कॉपी थी। और कॉपी तो शायद आप भी हैं। देखिए अगर मैं कॉपी नहीं होता तो आप ओरिजिनल के पास पहुंच नहीं पाते। सही कह रहे हैं, और हमारी पहुंच आप जान ही रहे हैं। तो मैं ये जाते जाते ये पूछना चाहूंगा कि आप बॉलीवुड के लोगों को और क्या एक अच्छा संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं बॉलीवुड से ये अपील करना चाहता हूँ, या जो भी इस तरीके की फिल्में बनाते हैं उन सभी को ये समझाना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं बाहुबली से सीख लेते हैं, क्यों नहीं आप जो RRR आया है उससे सीख लेते हैं, उस तरह की फिल्में चलेंगी, ये गंदे सीन्स दिखाकर आप कोई परिवार के साथ जा नहीं सकता है जी। ये तो इसका विरोध मैं भी करता हूँ कि अश्लीलता का, बिल्कुल अश्लीलता बंद होनी चाहिए। थैंक यू।